हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ध्रुव शर्मा एंड यू आर वाचिंग ध्रुव शर्मा व्लॉग। आज हम आए हैं सिद्ध बली, जो कोटद्वार में है। तो चलिए चलते हैं, स्टे ट्यून। मंदिर में आ चुके हैं और कपाट खुलने में अभी एक घंटा बाकी है। लगभग 2:30 बज रहे हैं और 3 बजे का ही कपाट खुलेंगे। तो मैं आपको एक यहाँ के मंदिर की विशेषता बताता हूँ। एक तो ये सिद्धपीठ है, दूसरा सिद्ध बली नाम है इस मंदिर का, जो कि सिद्ध जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उनके नाम से है, और बलि जो हनुमान जी। तो जब गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर पूजा करी थी, अपना यज्ञ करा था, तो यहाँ पर हनुमान जी खुश होकर उन्होंने दर्शन दिए थे। गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे ये कहा था कि यहाँ पर आप स्थापित हो जाए, है ना, आप अपना स्थान ग्रहण करें, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जिस मन से आपसे कुछ मांगते हैं, फल मांगते हैं, पूजा करते हैं, उसी मन से ही, उसी तरीके से ही आप उनको फल दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। दूसरी चीज़ यह है, इस मंदिर की सबसे एक यूनिक चीज़ और मैं बताता हूँ। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था, जो उसकी नींव रखी हुई थी, वो रखी थी अंग्रेज़ों ने। जब अंग्रेज़ों को पता चला भाई इतनी सिद्धपीठ है, और उन्होंने देखा पूजा ऐसा, सिर्फ बहुत से लोग होते हैं हमारे में भी और अंग्रेज़ों में भी, कि जो सिर्फ धर्म वर्म के बारे में या अपना ही धर्म इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। जब उनको लगा हमारी सिद्धपीठ बहुत मान्य है ना, ये है कुछ, तो उन्होंने यहाँ पर नींव रखी गई थी। क्योंकि यहाँ पर दो पिंडी हैं जो उसी ज़माने से हैं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बनाया था स्वयंभू, ऐसे ही ये स्वयंभू है ना। यहाँ पर दो स्वयं ही मूर्ति आई थी, दो स्वयं ही जो पिंडी है वो आई थी, तो आज हम उन्हीं का दर्शन करेंगे। दो विशेषता मैंने बता दी हैं, आगे की और भी विशेषताएं हैं जो हम आगे कभी किसी वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम मंदिर को देखते हैं।
एक भाई है, उसने बोला था कि यहाँ पर ज़रूर आना। इसका रास्ता तो कंफर्म नहीं था, मैं फिर भी पर ट्राई कर रहा हूँ। भाई का नाम बताऊँ? माधव है ना, बढ़िया नाम। वो वीडियो देखेगा तो बोलेगा। माधव ने जगह बहुत बढ़िया बताई है। एक्चुअली हम चले गए थे, हम आधे रास्ते से वापस आ गए इस जगह के लिए। तो फैमिली भी हैं, ये सिद्ध बलि मंदिर के पास ही है बिल्कुल, जहाँ प्रसाद वगैरह मिलते हैं। आप जाओगे सिद्ध बलि मंदिर के पास, जहाँ प्रसाद वाली जगह देखोगे तो उसके सामने धर्मशाला है, उसके बराबर में से ये रास्ता जा रहा है। वहाँ किसी से पता करोगे तो वो बता देंगे, लेकिन आना ज़रूर है। ऐसा लग रहा है जैसे ऋषिकेश चले गए। नहीं, नहीं, हाँ तुम, हाँ पैर रख के आ जाइए। अब मैं भी आता हूँ। अरे मेरा हाथ पकड़ रही हो, बहुत बढ़िया, मुझे लगा था मैं पकड़ूंगा हाथ। हर्षित बन रहे हैं ट्रैकर। अच्छा हाँ, यही होगी हाथी की आवाज़ आई होगी। जिस माधव की मैं बात बता रहा था वो यहीं पे ही आया था और यहाँ पर बैठकर, इस जगह पर बैठकर हाँ खाना खा रहा था। माधव और दूसरा कौन था? अमन। हाँ अमन, माधव और अमन यहीं पे बैठकर खाना खा रहे थे। माधव और अमन यहीं पर बैठ के खाना खा रहे थे और इतने में उसको हाथी की आवाज़ आई, हाथी के चिंगाड़ने की। पैक करा, पहली फुर्सत में गायब। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही हो, क्योंकि ये नेचर की आवाज़ है। पानी का प्रेशर इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि मेरे को खुद की आवाज़ सही से नहीं आ रही। और मैं कई किलोमीटर दूर से वापस आया हूँ सिर्फ इसी व्यू के लिए। और कल जितना भी मज़ा मेरे को आया है, आज उससे दुगना मज़ा मेरे को यहाँ पर आया है। यहाँ पर एक आस्था के लिए हम सिद्धपीठ भी जा सकते हैं, और बच्चों वगैरह के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए हम थोड़ी सी दूर है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय करा। और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।